कि इसमें जज्बा होना चाहिए नुस्ख का, खैर खाही का, अपने भाई की भलाई, उसकी खैर खाही, उसकी आकबत को बचाना और संवारना ताकि उसकी अबदी जिंदगी जो है बेहतर हो जाए। इसमें कोई इस अपने जानाम और नमूद का जज्बा अगर आ गया तो नतीजा जीरो हो जाए। अगर अपनी शख्सियत की धौंस जमाने का कोई मकसद शामिल हो गया तो जीरो हो जाएगा, बल्कि ये कि बरक्स होगा, उसका रद्द अमल जो है वो उसके मुखालिफ होगा। खैर खाही, अद्दीन और नसीहा, वो नसीहा जो है उसके बारे में आपको मालूम, लिल्लाह वल किताब ही वल रसूल ही वल अम्मतिल मुस्लिमीन व अम्मतिही, आम मुसलमानों के लिए नुस्ख खैर खाई, हु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जिसके लिए कि हुजूर की यह हदीस आपने बारह सुनी होगी कि मेरी और तुम्हारी मिसाल तो ऐसे है जैसे आग का एक गढ़ा है, तुम उसमें गिर पड़ना चाहते हो और मैं तुम्हारे कपड़े पकड़ पकड़ कर घसीट रहा हूँ। ये कैफियत है असल में कि आग से बचाना, दोजख से बचाना, अल्लाह की नाराजगी से बचाना, आकबत की बर्बादी से बचाना, ये इस ईमान की बुनियाद से, ईमान की गुठली से जो दावत का शजर पैदा होगा, उसका जो असल, जो उसका मोटिवेटिंग फोर्स होगी वो होगी लोगों की खैर खाही।